अनुराग वहाँ तो क्या काम नहीं कर पाते हैं तो बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करते लीजिए बाकी लिजे, एक के बात दूसरा राजस्थान का साठ सेकंड भी सुनने को नहीं मिलेगा ये सारे नेता कहां होते हैं जब बंगाल से लेकर राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र के पालघर में भी साधुओं को मारने का काम होता है तब ये चुप क्यों होते हैं जी ये केवल नफरत के बीज बोते हैं ये बांटो और राज करो की राजनीति आज तक करते रहे हैं अब इनको हजम नहीं होता कि मोदी जी की लोकप्रियता मोदी जी का काम देश और विदेश में दुनिया ने सराहा है तो झूठे और इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करते हैं और हमारे साथ अभय हमारे सहयोगी लगातार बने उनके पास हम जाए लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जो है पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है और ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके की चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है क्योंकि ये पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि लोग छतों जमा ना हो घायल पुलिस जी, जी कुछ घायल पुलिसकर्मी भी है जिन्हें एम्बुलेंस से लेके जाया गया बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल बिल्कुल सटा हुआ है जहांगीरपुरी में जहां पर कुछ घायलों को लेकर जाया गया पुलिस कर्मियों को लेकर जाया गया आप तस्वीरों में देखें हाथ में बैंडेज बंधी हुई नजर आ रही है एक पुलिसकर्मी के शायद इन्हें फर्स्ट एड फौरन दिया गया होगा और पुलिस पेट्रोलिंग इस वक्त चल रही है पूरा जो इलाका है वहां चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं ये आप देख रहे हैं ये आ, जब ये जिस तरह से पत्थरबाजी हुई आगजनी हुई इसके बाद की तस्वीरें हैं आप देखिए किस तरह से मोटर जो हैं पुलिसकर्मियों की वो जली हुई नजर आ रही हैं और सीआरपीएफ के जवान नजर आ रहे हैं टूटी हुई बोतलें चप्पलें पड़ी हुई बिखरी हुई नजर आ रही हैं ड्रोन से किस तरीके से हालात पर नजर रखी हुई है जहांगीरपुरी की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं इंडिया टीवी संवाददाता हमें बता रहे हैं कि अब अलग अलग टीम्स जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है वहीं मौके पर मौजूद टीम्स की नजर है ड्रोन कैमरास के जरिए वहां के हालात पर और ये अब छह तस्वीरें आपके सामने एक साथ है जहां शोभा यात्रा शाम के वक्त जब साढ़े का वक्त था जहांगीरपुरी के इस इलाके से निकल रही थी वहीं अचानक हालात बिगड़ गए और वहां हालात जब बिगड़े तो दो समुदाय आमने सामने आ गए जहां पर लाठी डंडे से हुआ पथराव शुरू हो गया और इस पथराव में जो लोग घायल हुए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया इस बीच हालात पर काबू करने के लिए स्पेशल फोर्सेस पहुंची वहां पर और इलाके को खाली तो करा लिया गया लेकिन इलाका खाली कराने के बाद यह पता लगा किस तरीके से यहां पर लगातार शीशे की बोतलों से वार हुए पथराव हुआ ईट पत्थर का इस्तेमाल किया गया गाड़ियों को आके हवाले कर दिया गया और जो पथराव के अलग अलग वीडियोज आ रहे हैं उनके जरिए ना सिर्फ मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है बल्कि यह जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर दिल्ली में हालात बिगाड़ने की कोशिश किसने की और अब लगभग सुरभी चार घंटे होने को आए हैं इस घटना को हुए अब राहत की बात कम से कम यह है जो कि पुलिस कमिश्नर ने भी बात की कि अब हालात काबू में है नियंत्रण में है लेकिन अभी इंश्योर किया जा रहा है कि छतों पर लोग जमा ना हो और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है हमने ड्रोन तस्वीरों में दिखाया था अब पराशर ने हमें दिखाने की कोशिश की थी कि इस तरह से ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के जवान वहां पे ट्रोलिंग कर रहे हैं और न सिर्फ इस इलाके में जहांगीरपुरी में बल्कि दिल्ली के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जो सेंसिटिव जोन है जो ऐसे इलाके हैं जहां दो समुदायों के लोग रहते हैं वहां पर भी सिचुएशन जो है नियंत्रण में रहे इसलिए वहां पर भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और फोर्स वहां पर तैनात की गई है ताकि पेट्रोलिंग करें उन इलाकों की भी ये तस्वीरें आप देखिए ये तस्वीरें बेहद डरावनी है और जिस तरह से हनुमान जन्मोत्सव का मौका था और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी कि अचानक से वहां इस हालात और इन तस्वीरों को देखते हुए ही संवेदनशीलता को समझते हुए ही आ, पीस कमिटीज को भी घरों की छतों पर नजर रखी जा रही है क्योंकि इस बात की स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा रही है कि हालात बिगाड़ने की कोशिश ना करें अफवाहों पर ध्यान ना दें जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं फेक न्यूज पर भी ध्यान ना दिया जाए इसलिए हालात पर ड्रोन कैमराज के साथ-साथ इलाके की सेंसिटिविटी को देखते हुए भी पुलिस की टीम्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल है एक्टिव है अबे पराशर हमारे साथ है अवे कुछ और अपडेट कुछ और जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी ये कहा कि जो न सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स से दिल्ली के वहां पर भी पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां सिचुएशन अंडर कंट्रोल है शांति है लोगबाग अपने घर में हैं और पुलिस वी आर ऑन टॉप ऑफ इट जांच के आदेश दिए ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है इस पूरे इलाके पर बिल्कुल जो भी जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स या मीन्स का यूज करना है वो हम सब कर रहे हैं सर अभी तक शुरुआती जानकारी मिल पाई कि, कि किसने ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट uh, करने की कोशिश की माहौल किसने खराब करने की कोशिश की देखिए पेशेवर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसकी शुरुआत हो गई है ये पता लग जाएगा अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है अभी का मेरा मेन पर्पज है की सिचुएशन को हम कंटेन करें कंट्रोल करें वो हम कंट्रोल कर चुके हैं और पुलिस एडिक्वेट नंबर में मौजूद है शांति व्यवस्था है आप यहाँ पर हैं हम भी हैं यहाँ पर फुटेज और सीसीटीवी फुटेज से आप, वो 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 सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं बिल्कुल दीपेंद्र पाठक जो है वो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आ, कोशिश यही है जिस तरीके से पिछले करीब चार घंटे में सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की की जाएगी जिससे पता लगेगा कि माहौल खराब करने की कोशिश किसने की है बिल्कुल अब और रब, ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह भी है पुलिस कमिश्नर ने भी ये बात कही है कि न सिर्फ यहां बल्कि और डिस्ट्रिक्ट में भी पुलिस फोर्स तैनात है वहां पर भी पेट्रोलिंग चल रही है देखिए बिल्कुल दिल्ली के जितने तमाम ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं क्योंकि एक साफ तौर पर ट्वीट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इस बात का जिक्र किया है मेंशन किया है कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जहांगीरपुरी इलाका जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं इस जहांगीरपुरी इलाके में तो पेट्रोलिंग जो है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ा ही दी गई है तमाम यहाँ इस वक्त यहां पर मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ ही जितने दिल्ली के दूसरे इलाके हैं वहां पर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए साथ ही युवाओं से अपील की है कि किसी भी तरीके से अफवाहों पर सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान ना दें तो यहाँ की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं पंकज तो फिलहाल सिचुएशन यहां पर कंट्रोल में पूरी तरीके से नजर आ रही है लेकिन अब दूसरा बड़ा काम जो पुलिस को करना है वो शोभा यात्रा के दौरान ये पत्थर अचानक से यहां पर कैसे चलने शुरू हुए ये पहले से क्या प्रायोजित था पहले से इसकी तैयारी की गई थी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तमाम सीसीटीवी कैमरे मोबाइल फुटेज की जो वीडियो है जिसमें पत्थरबाज साफ तौर पर नजर आ रहे हैं उनके चेहरे पहचाने जाएंगे उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और इसी हिसाब से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा जानकारी गृह मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह को भी देनी होगी